तो हमारी जो रमजान ट्रांसमिशन है इफ्तार की वो शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से, नमाज पढ़ ली और आज बार बार रोजा है, माशाल्लाह से। और आपको रोजा लग रहा है? आपकी फेस से बता रहा हूँ। मुझे अभी खैर नहीं लग रहा इतना, अभी नमाज पढ़ी, अभी सेगमेंट्स करने हैं, उसके बाद हाँ यकीनन मैं नहीं बोल सकती कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो अभी चलते हैं और आप सबको बार बार रोजा मुबारक हो, और अभी चलते हैं सेगमेंट की तरफ। पहले सेगमेंट करते हैं उसके बाद आपसे बातें करते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। जी तो मैं सेगमेंट शुरू हो चुकी, जिसका नाम है नात की महफिल। तो आज की जो नात होने वाली वो है भरत चोली मेरी या मोहम्मद। सजदे में गर्दन डाली भरत चोली मेरी या कुछ ही तो अपने लाइक शेयर करना, ये सेगमेंट यही खत्म होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और आपको वही मिलते हैं। हमारा जो सेगमेंट है रोजे के फायदे वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं जो आपको रोजे का फायदा बताने वाली हूँ वो है रोजेदार की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों की दुआ, तीन लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। अदल हुक्मरान, यानी जो अच्छे हुक्मरान होते हैं जो हर चीज़ में अदल करें, इंसाफ करें, उनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। रोज़ेदार की कभी दुआ रद्द नहीं होती, ठीक है, जो रोज़े रखता है उसकी दुआ जो है वो कभी रद्द नहीं होती। और तीसरी जो है वो है और मज़लूम की बददुआ। जब कोई मज़लूम हो, उसका कोई उसमें कसूर ना हो, कोई ब्लेम ना हो और उसे बोला जाए कि तुम्हारी गलती है, बल्कि तो जो मुस्लिम जो मज़लूम होगा उसकी जो बददुआ होगी वो कभी रद्द नहीं की जाती। ये तीन लोग हैं मतलब कि जो रोज़ेदार की जो दुआ है वो कभी रद्द नहीं की जाती। इनमें तीन लोग आते हैं, याद रखें, अदल हुक्मरान, ठीक है, दूसरा रोज़ेदार, और तीसरा जो मज़लूम होगा उसकी भी जो बददुआ होगी वो कभी भी रद्द नहीं की जाएगी। तो ये तीन लोग हैं जो आपने याद रखने हैं, ये तीन लोग जो हैं इनकी
बद्दुआ या मजलूम की जो बद्दुआ है वो कभी रद्द नहीं की जाती, और बाकी हुक्मरान अदल हुक्मरान की जो दुआ है वो कभी रद्द नहीं होती, और रोज़ेदार की दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो दैट्स इट हो गया गाइस, कि आपको सेगमेंट अच्छा लगा हो, और बस ये करना है कि रोज़े रखने हैं, अच्छे अच्छे काम करने हैं, लाइक शेयर कमेंट करना है, और अगर आपको अच्छा लगा सेगमेंट तो अपने लाइक शेयर कमेंट करना है। तो ये वीडियो तो ये सेगमेंट यही ख़त्म होता है, तो दैट्स इट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो हमारा इफ्तारी में क्या है सेगमेंट शुरू हो चुका है। तो आज क्या इफ्तारी बना है, क्या नया है? मुझे लगता है समोसे फिर से बनने वाले चले तो वहाँ मैंने मुझे ये सारा सामान ला दिया। चले तो फिर आपसे ही कनेक्टेड रहेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप क्या बना रही हो, कैसा बना रही हो। फोल्डिंग्स वगैरह अगर किसी को नहीं आती है तो मैं बता दूंगी कैसे। ठीक है, तो चले फोल्ड कैसे करते हैं। इफ्तारी में क्या है का सेगमेंट नहीं चलते हैं। किचन में और बना रहे हैं मजेदार से पकौड़े। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरा बैटर है, इसके अंदर प्याज है, धनिया है, और जैसे कहते हैं पुदीना है थोड़ा सा, और है मिर्ची, नमक, जो इम्पोर्टेंट होता है ऑब्वियसली बात है पकौड़ों के अंदर। तो ये कुछ डला हुआ है और जल्दी से बनाते हैं पकौड़े। पहले डाल दूँ फिर उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ। ये है प्याज के पकौड़े, शरबत बन चुका है और टाइम बस खत्म पर है। तारी क्या है का सेगमेंट जो शुरू हो चुका है, और देख सकते हैं आप चल रहा है माशाल्लाह से इफ्तारी की तैयारी। आज माशाल्लाह से कोई 12वां रोजा है, आप सबको मुबारक। होता है यही किचन में आपको बहुत केयरफुली होकर खड़ा होना होता है। सो ये देख सकते हैं पकौड़े मैंने डाल दिए हैं, अब पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, थोड़ी सी आँच जो है हम ज़्यादा कर देंगे ताकि जल्दी बने। और जल्दी से पकौड़े सारे तरीके के बनाते हैं, और समोसे तो जो है वो भी बन अभी फ्राई होंगे तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी पहले मैं आपको बना लेती हूँ सारी चीज़ें, उसके बाद आप सीखें। सो दस्तखान पे हम बैठ चुके थे और जो है बहुत मज़े मज़ेदार के माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से इफ्तारी थी, जिसमें पकोड़े थे, चार थी माशाल्लाह से, अल्लाह की नेमतें दी हुई थी। और यहाँ जो है हमने इफ्तारी कर ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रोज़ा लगा था, उसके बाद जो है हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद हम पागल वाली हरकतें भी करते ही रहते हैं, आपको देखा ही है। तो होप्स हो कि आपको ये हमारी ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो आपने प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट करना है। माशाल्लाह से हमारी जो सहर की ट्रांसमिशन है और जो इफ्तार की ट्रांसमिशन हैं वो माशाल्लाह से चांद रात तक चलती ही रहेंगी, और ईद पर भी एक स्पेशल शो आएगा तो आपने ज़रूर देखना है। तो यहाँ ये जो एपिसोड है और ये जो ट्रांसमिशन है यही एंड होती है। अपने रखे ख्याल, आप सबको रमज़ान मुबारक, और अल्लाह हाफिज़।